निकटवर्ती ग्राम रूपनगर स्थित पुष्पिता सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा फतेहगढ़ सल्ला स्थित सागर पब्लिक स्कूल के 40 बच्चों ने रविवार को शहर के रोडवेज बस स्टैंड स्थित इंदिरा रसोई का भ्रमण किया। इस दौरान बच्चों ने रसोई की व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए रसोई में बने भोजन का आनंद लिया। स्कूल संचालक जितेंद्र अरोड़ा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोई भूखा ना सोए को लेकर प्रदेश भर में इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है। रसोई में उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन आमजन को परोसा जाता है, लेकिन आमजन यहां आकर खाना खाने में हिचक तथा शर्म महसूस करता है। इसी अवधारणा को तोड़ने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जानकारी के लिए आज स्कूल के बच्चों को इंदिरा रसोई का भ्रमण करवाया गया है। साथ ही बच्चों को रसोई का भोजन भी करवाया गया है, ताकि बच्चे इसकी गुणवत्ता के बारे में जान सके और अपने आसपास के गांव वालों को इसकी जानकारी दे सके। अरोड़ा ने बताया कि रसोई में बने खाने को खाने के बाद अगर किसी प्रकार की कोई कमी महसूस होती है, उसमें सुधार भी करवाया जा सकता है। इस अवसर पर विद्यालय से जतिन जयंत, सतवीर गुर्जर, राहुल जयप्रकाश अरोड़ा, रफी काठा, सलमान काठा, सह संचालक अर्चना वर्मा, संचालक जितेंद्र अरोड़ा तथा छात्र छात्राएं मुस्कान बानो, पूजा चाहर, यास्मीन, नाजिया बानो, सानिया बानो, सुरैया बानो, मोहसिना बानो, साजिद खान, रोहित, सोनू गुर्जर, रेहाना, मुस्कान, इशरत, साजिया, समीर तथा जुबेर खान आदि उपस्थित थे। आज पुष्पता सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूपनगर एवं सागर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ सल्ला के छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से इंदिरा गांधी रसोई पे आकर भोजन ग्रहण किया है, ताकि यहाँ के भोजन की गुणवत्ता आज आम नागरिक तक पहुंच सके। कई लोग शर्म से यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, जबकि यहाँ के भोजन करने के बाद हमें वास्तव में पता लगा कि यहाँ बहुत ही अच्छा भोजन इन सब लोगों को मिल रहा है। तो अधिक से अधिक जनता में ये मैसेज जाए, इसलिए आज बच्चों ने प्रण किया कि सामूहिक रूप से यहाँ पर आकर हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर किसी प्रकार की कोई कमी भी रहती है, तो यहाँ पर हम उनको बताकर अच्छा बनाने की प्रयास करेंगे और आम जनता को अच्छा भोजन मिल सके, यही हमारा प्रयास रहेगा।